आज हम बनाएंगे सॉफ्ट और फुले फुले भटूरे। भटूरे के लिए सामग्री लेंगे 1 कप सूजी, 2 कप मैदा, 1 चम्मच नमक डालेंगे, खाने वाला सोडा लेंगे, बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मिक्स करेंगे अच्छे से। दही लेंगे, सभी सामग्री को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक हमारा आटे में पूरी से मिक्स ना हो जाए। हम थोड़ा और दही लेंगे, वो कम पड़ गया था गूथने में, पूरे हम दही से ही आटे को गूथेंगे जिससे हमारा एक अच्छे से डो बन जाए। इसमें हम तेल ऐड करेंगे, आप घी भी ऐड कर सकते हैं, हम इसमें तेल ऐड कर रहे हैं ताकि इसमें एक थिकनेस आ सके। और पटक पटक के हम इस आटे को लगाएंगे ताकि हमारा जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसे ऐसे ही हम पटक पटक के लगाएंगे। फिर एक कटोरे में हम तेल को लगाएंगे ग्रीस करके, और इसमें डो को रख देंगे सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए, आप 20 मिनट भी रख सकते हैं। फिर इसकी लोई बना करके हम बेलेंगे, अपनी इच्छा अनुसार जितना बड़ा बेलना चाहें बेल सकते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, धुआं छोड़ने पर हम इसे तलेंगे, और ये हमारे भटूरे काफ़ी फुले फुले बने हैं और लंबे समय तक ये ऐसे ही करारे बने रहते हैं। ये हमारा भटूरा बनके तैयार हो गया है और हम दूसरा भी तल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर देखने में लग रहा है और कलर भी कितना अच्छा निकल के आया है। तो ये हमारा दूसरा भटूरा भी तल रहा है और ये भी देखिए कितना सुंदर फूला हुआ है और देखने में अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही गाइस आप भी भटूरे बनाइए जो देखने में सुंदर और फूले फूले हों।